गर्मियों की सबसे खास बात पता ही क्या है? मैंगोज। एंड मैंगो के सीजन में मैंगो कुल्फी तो बनती है। सो गाइस, आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फी। सो मैंगो कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए मैंगोज, शुगर एंड फुल क्रीम मिल्क। सो सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम हाफ लीटर मिल्क लिया है, जिसे अब हम बॉईल कर लेंगे। मिल्क बॉईल हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम रिड्यूस कर देंगे और लो फ्लेम में इस मिल्क को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती। सो बीच बीच में हम इसको स्टर करते रहेंगे और लो फ्लेम में इसको पकने देंगे। और जब हम मिल्क को स्टर करेंगे सो जितनी भी मलाई पैन के साइड में लगी होती है उसे इस तरह से स्क्रैच करके मिल्क में मिक्स करते रहेंगे। इसको लो फ्लेम में पकने देते हैं और दूसरी तरफ हम बना लेते हैं मैंगो प्यूरी। इस मैंगो प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के मैंगोज लिए हैं, जिन्हें पील करके चॉप कर लिया। आप इसको ब्लेंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मिल्क की क्वांटिटी रिड्यूस होके आधी हो गई है, सो अब हम इसमें डालेंगे शुगर। मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ और अब इसको इसी तरह स्टर करते हुए और पका लेंगे 2-3 मिनट, जब तक कि शुगर ठीक से डिसॉल्व हो जाए। इट्स डन। तो अब मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दानेदार इसका टेक्सचर है, कितनी बढ़िया रबड़ी बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब एक पैन ले लेते हैं और मैंगो को भी थोड़ा पका लेते हैं। मैंगो कई बार खट्टे निकलते हैं और हमें इसे दूध में डालना है, सो हम इसे पका लेते हैं। सो इसको इसी तरह स्टर करते रहेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर और इसी तरह स्टर करते हुए लो हीट पे 3-4 मिनट तक इसको पका लेंगे। इट्स डन। अब इसको भी थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, पूरी तरह से नहीं बट थोड़ा गुनगुना रहने देंगे। और फिर हम इसको मिक्स करेंगे जो हमने दूध की रबड़ी बनाई है, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मैंगो कुल्फी का मिक्सचर रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर कितना थिक और क्रीमी है। अब हम इसको मोल्ड्स में फिल कर लेंगे। हम यहाँ पे पॉप्सिकल मोल्ड्स या कुल्फी मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुल्फी मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इसको फिल करके कवर करेंगे सिल्वर फॉइल से और नाइफ से एक छोटा सा कट देंगे सेंटर में और एक आइसक्रीम स्टिक इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह हम कप में भी फ्रीज कर सकते हैं। सो फिल करेंगे एक कप में, ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ और इसको भी कवर करेंगे सिल्वर फॉइल से। अच्छे से कवर करके इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे जिससे ये अच्छे से सील्ड हो जाएगा। और हमें फ्रीज करना है 6-8 घंटे। 8 घंटे के बाद जब कुल्फी रेडी हो जाएगी सो उसको डीमोल्ड करने के लिए वी कैन पुट द मोल्ड अंडर द रनिंग वाटर फॉर फ्यू सेकेंड्स। और उसके बाद दोनों हाथ के बीच में लेकर हम थोड़ा सा इसको रोल कर देंगे इस तरह से, लाइक दिस, जिससे ये गर्म हो जाएगा और कुल्फी बहुत ही इजीली मोल्ड से बाहर आ जाएगी। ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मैंगो कुल्फी की रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई है सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड टैप द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो सी यू गाइज, मिलते हैं अगली रेसिपी पे। अनटिल टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।